जनपद पंचायत नई गढ़ी के प्रांगण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी शैलेंद्र पांडे द्वारा अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है। उक्त आरोप युवा कांग्रेस नेता कमलेश पटेल ने लगाया है। युवा कांग्रेस नेता ने कहा कि जनपद पंचायत नई गढ़ी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शैलेश पांडे द्वारा नगर परिषद से बिना NOC के शासकीय भवन का निर्माण नहीं कराया जा सकता। यह नगर परिषद अधिनियम 1961 में प्रावधान है कि नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोई भी शासकीय भवन क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी विभाग द्वारा भवन का निर्माण किया जाता है तो नगर परिषद से NOC लेना अनिवार्य है। लेकिन मुख्य कार्यपालन अधिकारी शैलेंद्र पांडे द्वारा मनमानी तरीके से जनपद पंचायत प्रांगण में अवैध दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है, जो अवैधानिक है। जनपद पंचायत नई गढ़ी द्वारा ना तो NOC ली गई और ना ही ड्रॉइंग पास हुआ है। जिन दुकानों का निर्माण किया जा रहा है बिना ड्रॉइंग के ही निर्माण जा रहा है। अगर नव निर्मित दुकानों में कोई बड़ा हादसा हो जाए तो फायर ब्रिगेड नव निर्मित दुकानों तक कैसे पहुंचेंगे? वहीं युवा कांग्रेस ने रीवा कलेक्टर से मांग करते हुए कहा है कि जनपद पंचायत नई गढ़ी के प्रांगण में बिना NOC जारी एवं ड्राइंग पास किए हैं अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसमें रोक लगाई जाए एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच की जाए और दोषी कर्मचारियों को तत्काल दंडित किया जाए। वहीं नगर परिषद नई गढ़ी में पदस्थ उपयंत्री तारकेश्वर शुक्ला से दूरभाष पर जब बात की गई तो बताया गया कि मेरे संज्ञान में जनपद नई गढ़ी के नाम पर कोई भी NOC नहीं लिया गया और ना ही कोई ड्राइंग पास हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। भैया क्या बात है, क्या समस्या है आपको? समस्या ये है कि ये चूँकि नगरी क्षेत्र में बन रहा है और नगरी क्षेत्र में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में शासकीय हो बिल्डिंग चाहे प्राइवेट हो, विदाउट मंजूरी और बिगर NOC के कोई भी भवन नहीं बनाए जा सकते हैं। पर नई गढ़ी जनपद के CEO शैलेंद्र पांडे जी बिगर NOC के ही यहाँ हाट बाजार और दुकानें बना रहे हैं। चूंकि ये कॉमर्शियल कैंपस नहीं है, यहाँ सिर्फ कार्यालय बनाए जा सकते हैं और ये मनमाने ढंग से कर रहे हैं। पैसे का दुरुपयोग, ये पैसा ग्राम पंचायतों के विकास कार्य में लगना चाहिए, जबकि लगा रहे हैं यहाँ दुकान बना के और लूटपाट करने। नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि NOC नगर पंचायत से जो भी कार्य होना चाहिए तो होना चाहिए। हाँ, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में ये स्पष्ट है कि शासकीय बिल्डिंग हो चाहे प्राइवेट हो, प्राइवेट में आपको सिर्फ इतना है कि आपको डेवलपमेंट चार्ज देना पड़ेगा, शासकीय में है तो NOC लेके काम होगा, उसमें विकास शुल्क नहीं जमा करना पड़ता। और उसके अब जैसे ये दुकानें बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, दुकान में कल को मान लीजिए कोई आग लग गई, फायरमैन को जाना है, पब्लिक वहाँ है अंदर, और फायरमैन उस स्थिति में क्या करेगा भाई? उसके पास ना ड्राइंग रहेगी ना कुछ रहेगा, तो जब ड्राइंग नहीं रहेगी तो वो जाएगा कैसे धुएं के गुब्बारे में? पर इससे कैजुअल्टी हो सकती है, इसलिए मैं प्रशासन से चाहता हूं कि नियम विरुद्ध तरीके से इन्होंने काम किया है, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और जिन विभाग नगर परिषद में बैठे कर्मचारी यहीं से बार बार निकलते हैं और उसके बावजूद भी उन्होंने ध्यान आकर्षण में नहीं लिया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए।